सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटे पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आप देख पाओ हमारे वीडियो सबसे पहले। टाइटैनिक का नाम सुनते ही सबको टाइटैनिक फिल्म की याद आ जाती है। दुनिया की किसी भी इंसान को टाइटैनिक के बारे में जरूर जानकारी होगी। टाइटैनिक अपने जमाने की बहुत बड़ी जहाज हुआ करते थे। जब इस शानदार जहाज को बनाया जा रहा था तो उसके साथ में अन्य दो जहाज़ों को भी बनाया गया, मगर इस टाइटैनिक जहाज की बात ही कुछ और थी। यह जहाज सब जहाज़ों में बहुत बड़ी जहाज थी। टाइटैनिक जहाज की एक और ख़ास बात यह थी कि वो सबसे तेज चलने वाली जहाज थी। लेकिन यह जहाज इतने प्रसिद्ध क्यों हुई, इसके पीछे भी इतिहास है। इस जहाज की कुछ जानकारी आगे दी गई है, तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ओलंपिक क्लास वर्ग में टाइटैनिक जहाज के साथ और दो जहाज़ों को भी शामिल किया गया है। इसका निर्माण व्हाइट स्टार लाइन ने बेलफास्ट के हार्लैंड और उल्फ शिपयार्ड में करवाया था। उन तीनों जहाज़ों में से ओलंपिक जहाज का निर्माण 16 दिसंबर 1908 को शुरू किया गया था और टाइटैनिक जहाज के निर्माण का काम 31 मार्च 1909 में शुरू किया गया था। यह सभी जहाजें अपने समय की सबसे भव्य और शानदार जहाजें थीं। लेकिन उन सब जहाज़ों में टाइटैनिक जहाज सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे शानदार थी। लेकिन 3 साल के बाद में टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो गया और साउथहैम्पटन से यात्री लेकर टाइटैनिक जहाज ने 1200 यात्रियों के साथ 10 अप्रैल 1912 को अपना पहला सफ़र शुरू हो गया। उस जहाज में कई तरह के लोग थे। सभी लोग एक अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। उनके सफ़र के दौरान 5वें दिन टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर की ओर जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र काफ़ी शांत था और आसमान में चांद भी नहीं था, और इसलिए जहाज के कप्तान को सामने से आने वाली बर्फ का पर्वत दूर से दिखाई नहीं दिया। लेकिन रात में करीब 11:40 पर खतरे की घंटी बजी और टेलीफोन पर कप्तान को बताया गया कि जहाज के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा बर्फ का पर्वत खड़ा है। लेकिन जब तक यह जानकारी मिल चुकी थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज उस वक्त किसी भी समय बर्फ से टकराने वाला था। वो बुरी खबर सुनने के 40 सेकंड के अंदर ही जहाज बर्फ से टकरा गया। जैसे ही जहाज बर्फ से टकरा गया, उसके साथ ही जहाज में सभी तरफ छेद होने शुरू हो गए। टाइटैनिक के मुख्य नौसेना वास्तुकार थॉमस एंड्रू ने जहाज की बुरी हालत को देखकर जहाज के कप्तान स्मिथ को कहा कि टाइटैनिक किसी भी समय डूब सकता है। जहाज के आगे के हिस्से के जो कमरे थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे और उसमें पानी भी जा चुका था। 3 घंटे के भीतर ही टाइटैनिक जहाज अटलांटिक समुद्र में डूब चुका था और वो समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर तक नीचे चला गया था। इस दुर्घटना में करीब 1500 से अधिक लोग मारे गए। टाइटैनिक जहाज के डूबने की खबर सभी तरफ फैल गई। इस घटना पर अनगिनत किताबें लिखी गईं, नाट्य और फिल्में बनाई गईं। इस घटना की जानकारी संग्रहालय और प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई। टाइटैनिक के दुर्घटना को आज 100 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस टाइटैनिक को आज भी लोग याद करते हैं। जिस दिन वो दुर्घटना हुई उस दिन को कोई नहीं भूल सकता। 14 अप्रैल 1912 का वो दिन इतिहास में दुखद दिन माना जाता है। उसी काली रात में कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी। उस रात 1500 से भी अधिक लोग मारे गए। इस घटना पर हजारों किताबें लिखी गईं। अगर किसी को इतिहास में रुचि हो तो वो उन किताबों में से टाइटैनिक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव और राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।